स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी को किस प्रकार से सही कर सकते हैं। अगर आपका पीसी ऑन करते ही आपके पीसी में बीप का साउंड आ रहा है और आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पीसी में पावर सप्लाई जा रही है फिर भी आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसका मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए आपको एक रबड़ की आवश्यकता होगी। इस रबड़ की अहम भूमिका होगी आपका पीसी सही करने में। वो आप वीडियो को अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस रबड़ से आप अपने पीसी को किस प्रकार से सही कर सकते हो। तो आप हम चलते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। आप पहले पावर सप्लाई को ऑन कर लीजिए, आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का साउंड आएगा इसमें। आप जैसे ही पावर बटन को ऑन करते हैं आपके सीपीयू में बीप का साउंड सुनाई देगा। आप सुन सकते हो बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो सीपीयू में इक्विपमेंट है वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको पावर सप्लाई को पूरी तरह से ऑफ करना होगा। पूरी तरह से ऑफ करके आपको प्लग भी निकाल देना होगा, क्योंकि लगभग घरों में अर्थिंग नहीं की होती है और अर्थिंग न करने की वजह से आपको प्लग न निकालने पर करंट लग सकता है। क्योंकि जो स्विच होता है वो अगर लाइव कटा होता है तो करंट नहीं लगता है, अगर अर्थिंग कटी हुई थी तो करंट लग भी सकता है। इसके बाद आपको अपना सीपीयू को निकाल के आपको इसे खोल के आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। मैं सीपी को निकाल के खोल लेता हूँ। मेरे पास ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में जिस प्रकार का इसका लगेगा उस प्रकार का मैं बिट उठा लेता हूँ। बिट को ज्वाइंट कर लिया है, अब मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने खोल दिया, एक यहाँ पे होता है नट, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, दो मेरे वाले में दो है। वो सीपीयू की बॉडी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। लेता हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। देखो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे रैम लगी हुई है, ये रैम है, ये जो है ये रैम है, ये इसका आपको डिसकनेक्ट करना होगा दोनों साइड से। अब डायरेक्ट अगर निकालोगे तो रैम टूट सकती है, आपको यहाँ से प्लग डिसकनेक्ट करना होगा। यहाँ पे दबा के आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देखो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये देखो अगर आप ऐसे करते हो तो ये लॉक हो जाती है। आपको डिसकनेक्ट करने के लिए इसको ऐसे दबाना है, दोनों साइड से आपको सेम प्रोसेस करनी है। इसको भी आपको यहीं से करना होगा, यहाँ से इसको डिसकनेक्ट करना होगा। ऐसे ये लॉक हो गया, ये डिसकनेक्ट। अब आपको रैम को निकालना होगा। लगभग पीसी में यही प्रॉब्लम होती है कि उसकी रैम कार्बन या किसी और की वजह से ये जो इसकी जो पिन दिखाई दे रही है, इसकी जो पिंस है वो पिंस ठीक से कनेक्ट नहीं होती है और इसके कारण सीपीयू का साउंड देने रहता है, यानी इसकी रैम ठीक से कनेक्ट नहीं होती है। इसको आपको साफ करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको साफ करने के लिए आपको इस रबड़ की आवश्यकता होगी, ये जो पेंसिल में डालने का रबड़ होता है इसकी आवश्यकता होगी। अगर ये रबड़ भी आपके पास नहीं है तो आप किसी कपड़े के सहायता से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जो ये पिंस है ठीक इसी को साफ करना है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर इधर की साइड आप साफ करोगे तो ये जो सर्किट लगे हुए हैं ये टूट सकते हैं और रैम कम्प्लीटली ख़राब हो सकती है, तो आप ध्यान से करना होगा आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से साफ करना है। आपके पास जो रैम है उसको रबड़ की सहायता से ठीक इस प्रकार से साफ करना है।
आपको क्रीव्स दिखा देता हूँ, ये रैम है, इसको इस प्रकार से साफ करना है। इस ये पिंस है, ठीक इसी पिंस पे लगाना चाहिए रबड़। इसके अलावा इधर इधर की साइड नहीं लगाना चाहिए, इधर की साइड अगर थोड़ा सा भी लगा तो ये टूट सकते हैं और रैम परमानेंटली ख़राब हो सकती है। ये अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपका पीसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके पीसी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपका पीसी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर आपके पास ये रबड़ नहीं है तो आप घर पे कोई भी कपड़ा हो, सूती कपड़े से भी साफ कर सकते हो, लेकिन रबड़ से अच्छी तरह से साफ हो जाता है, इसलिए मैं आपको रबड़ की ही एडवाइस दूंगा। ये मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसको साफ़ करने के बाद एक बार ऐसे कपड़े से या हाथ से भी धोते हैं, क्योंकि रबड़ का जो भी घसने के बाद उतरता है वो रैम पे रह जाता है और ये भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर ले, मतलब रबड़ का भी कुछ कोई अवशेष पे बचना नहीं चाहिए। और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब मैं आपको रैम को इंस्टॉल करके बता देता हूँ। अच्छी तरह साफ करने के बाद आप रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रैम में ये देखो यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, ये कट और इसके अंदर जो स्लॉट लगा हुआ है ये, इसमें ये भी कट दिखाई दे रहा है, ये कट, ये देख के लगाएं। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो रैम टूट सकती है और आपका नुकसान हो सकता है, और सावधानी से काम करें। अब थोड़ा सा पुश करके ये लॉक होता है ना, ये लॉक पुश करके लॉक लगा देंगे। ये लॉक जैसे आप दबाओगे तो लॉक अपने आप लग जाता है। आप इस प्रकार से लॉक परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, लगभग आपकी प्रॉब्लम रैम से सही हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अपन आप पीसी तो खुला हुआ ही है, इसके साथ आप एक प्रोग्राम और कर लीजिए, शायद वो भी प्रॉब्लम हो तो वो भी सही हो जाएगी। ये देखो ये लिथियम बैटरी है, ये लिथियम बैटरी का काम यही है कि ये बैटरी है ना हमारे पीसी में जो टाइम हमने सेट किया है वो फिक्स रखती है, यानी हम पीसी में पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो भी इसी बैटरी से पावर मिलती है, और पावर मिलने के कारण ये टाइम और डेट फिक्स रखती है। तो ये लिथियम बैटरी एक बार निकाल लें, क्योंकि ये पीसी को ऑन करने में इस प्रकार से ख़राब कर सकती है, क्योंकि इसमें क्रिप्टेड फाइल स्टोर हो जाती है और जो क्रिप्ट फाइल होती है वो पीसी को ऑन नहीं होने देती है, और जिस प्रकार से आप जैसे ही मदरबोर्ड से ये लिथियम बैटरी अलग करते हो तो वो जितने भी क्रिप्टेड फाइल्स जो पीसी को ऑन होने दे देती वो पूरी क्रिप्ट फाइल हट जाएगी और दोबारा इंस्टॉल करने पर वो सेट हो जाएगी। आप ये देखो ये साइड ऊपर की साइड रखनी है और ये दो साइड ये नीचे की ओर रखनी है, आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखो आप जैसे पुश करोगे आप लगाना इस प्रकार से, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। लेकिन आप पीसी की पावर सप्लाई को पूरी तरह ऑफ करनी होगी आपको, क्योंकि अर्थिंग की वजह से करंट लग सकता है। ये देखो ये आपको जो ये साइड है इस साइड से ऐसे ऐसे लगाना है आपको, इसे अंदर डाल के यहाँ पे इसे अंदर डाल के यहाँ से पुश कर देना है। मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ से पुश करने ये सेट हो गई है बैटरी। और इसके अलावा भी अगर फिर भी आपका पीसी सही ना हो तो आप अपना केबल्स चेक कर सकते हो। मान लो ये जो भी केबल लगी हुई है, ये केबल लगी हुई है, इसको भी आप चेक कर सकते हो कि ये कसीर से कनेक्ट है, या एक बार रिमूव करके दोबारा लगा सकते हो आप, क्योंकि कई बार बहुत टाइम से लगी हुई केबल के अंदर कार्बन की वजह से ये ठीक से कनेक्ट नहीं होती है। और इसके अलावा जो पावर की केबल है, जैसे ये पावर की केबल है, ये भी आप एक बार लगा के, ये दोनों केबल है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ,
मतलब डीसी दोनों केबल आप एक बार लगा के, एक बार निकाल के दोबारा लगा सकते हो। अगर मान लो बहुत टाइम से पीसी ऑन नहीं हुआ है और केबल लगी हुई है, तो कार्बन की वजह से ये भी हो सकता है यहाँ भी कनेक्ट ना हो, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो केबल जहाँ से निकालो उसी केबल को वहीं लगाना होगा, क्योंकि आप गलत केबल लगाने से मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है आपका और ये जैक भी टूट सकता है, क्योंकि गलत केबल अगर आप फोर्स करके लगाओगे तो आपका जैक भी टूट जाएगा। तो हमने टोटली कर लिया है, लगभग पीसी में यही प्रॉब्लम होती है कि पीसी वो नहीं होता है, क्योंकि उसके मदरबोर्ड में जो डिवाइस लगे हुए होते हैं उनको ठीक से पावर नहीं मिल पाता है और वो बीप का साउंड देता है। ये तो बीप के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यहाँ से बीप का साउंड आता है मदरबोर्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीप कर दे रहा है, यहाँ से बीप का साउंड आता है। अब मैं आप हमारे पीसी को ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये अब ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं पीसी को पहले खड़ा कर लेता हूँ। मैंने पीसी को खड़ा कर लिया, पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। मैंने पीसी को सेट कर लिया है, अब मैं पीसी को पूरी कंप्लीटली बंद करने से पहले पहले ऑन करके देख लेता हूँ कि सही से ऑन हो रहा है कि नहीं। मैं इसके पावर केबल लगा देता हूँ। ये मैंने पावर केबल सेट कर लिया है, हम पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। अब जो सीपीयू का पावर बटन है उसको भी ऑन कर लेते हैं। देखो हमारे सीपीयू में पावर आ गई है, आप देख सकते हो, और अब बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही है और हमारे एलईडी में भी पावर आ गया है, यानी हमारा पीसी ऑन हो गया है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको विंडो भी दिखा देता हूँ कि विंडो ऑन हो रही है नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमारी विंडो ऑन हो रही है, यानी हमारा पीसी कम्प्लीटली सही हो गया है। आप ये प्रोसेस कर सकते हो अगर आपका पीसी भी ऑन नहीं हो रहा है।